क्वेश्चन नंबर थ्री। अच्छा, क्वेश्चन नंबर थ्री में कुछ नई टर्म्स है, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है पहले बैड डेट्स रिटेन ऑफ, अच्छा इसके बाद ये क्या, चेक डिसऑनर। अच्छा ये हमने बीआरएस को पढ़ा था, चेक डिसऑनर। और ये लास्ट में सेट ऑफ अगेंस्ट बैलेंस इन परचेज लेजर, ठीक है। अच्छा तो पहले इस पे बात कर लेते हैं वन बाय वन, क्या होते हैं बैड डेट्स, क्या होते हैं बैड डेट्स या जिन्हें इरिकवरेबल डेट्स भी कहते हैं जी, क्या होते हैं? हाँ, वो पैसे जो आपको रिकवर ना हो सके, या वो अमाउंट जो कस्टमर से रिकवर ना हो सके, या वो रिसीवेबल जो आपको रिसीव ना हो, ठीक है। तो वो अमाउंट जो कस्टमर से रिकवर ना हो, अच्छा रीजन क्या हो सकती है ना मिलने की, एक कस्टमर को आपने गुड सेल की, ठीक है, चले डेथ हो गई कस्टमर की, बैंकरप्ट हो गया कस्टमर आपका, डेथ हो गई कस्टमर की, बैंकरप्ट हो गया कस्टमर, डिसअपेयर हो गया, ठीक है। डेथ हो गई, बैंकरप्ट हो गया, डिसअपेयर हो जाए, राइट। अच्छा इसकी नेचर क्या होगी, एक्सपेंस हो जाएगा, लॉस हो जाएगा ना, सही है। अच्छा इसकी आप डबल एंट्री क्या बनेगी, अच्छा इसकी एंट्री क्या बनेगी। तो स्टार्ट से आपको समझाता था कि क्रेडिट सेल्स की एंट्री क्या होती है, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स, क्रेडिट अमाउंट सपोज कर लेते हैं, बल्कि ये वाला अमाउंट लिख लेते हैं, ये अमाउंट कितना है 342। अच्छा ये तो एंट्री हो गई क्रेडिट सेल्स की ना, अच्छा क्रेडिट सेल्स की हमने रिकॉर्ड कर ली। अब क्या हुआ, ये कस्टमर हमारा बैंकरप्ट हो गया और जो पैसे लेने थे वो चले गए, डूब गए, ओके। तो ये लॉस हो गया हमारा, एक्सपेंस हो गया, तब उसकी डबल एंट्री क्या होगी, अब हम लिखेंगे बैड डेट्स डेबिट होंगे और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, इसके डबल एंट्री क्या होगी, बैड डेट्स डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। अच्छा बैड डेट्स को डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये एक्सपेंस है हमारे, एक्सपेंस लॉस हो गया डेबिट, और रिसीवेबल को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, अब रिसीव नहीं होंगे, ठीक। तो पहले हमने सेल्स के टाइम पर रिसीवेबल अकाउंट डेबिट किया, तो बैड डेट्स के टाइम पर रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, और क्रेडिट का मतलब अकाउंट हमारा क्लोज हो गया या राइट ऑफ कर दिया, ठीक है। तो बैड डेट्स हो गए तो रिसीवेबल आपके रिसीव नहीं होंगे, खत्म हो गए, तब हम रिसीवेबल अकाउंट क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे, ठीक। तो ये एंट्री बनेगी बैड डेट्स की, बैड डेट्स डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। अच्छा डिसऑनर चेक हम पढ़ चुके हैं बीआरएस में, क्या होता है बाउंस चेक, डिसऑनर चेक, ठीक है, रिटर्न होना। इसके डबल एंट्री क्या बनाई थी याद है, डबल एंट्री भूल गए, दोबारा लिखवा देता हूं। अच्छा क्रेडिट सेल्स की एंट्री क्या होती है, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स, अमाउंट यही वाले यूज कर लेते हैं 120, ठीक है। अच्छा प्रेजेंट बाद कस्टमर ने हमें पेमेंट की बाय चेक, चेक रिसीव हुआ तो एंट्री होगी बैंक डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा, ठीक। अच्छा पता चला कि कस्टमर के अकाउंट में पैसे नहीं थे या कम थे, तो चेक आपका बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया, अब इसकी एंट्री क्या होगी, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा और बैंक क्रेडिट। हाँ तो ठीक है, देखिए चेक रिसीव करने के टाइम पर हमने बैंक को डेबिट किया, बैंक में पैसे नहीं आए तो बैंक को हमने अब क्रेडिट कर देंगे, बैंक बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा, और ये जो रिसीवेबल हमारे फिर से इंक्रीज हो जाएंगे ना, अब हम फिर से पैसे मांगेंगे कस्टमर से कि चेक बाउंस हो गया पैसे दो, तो आपके रिसीवेबल इंक्रीज होंगे डेबिट
और बैंक बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा क्रेडिट कर। तो ये डबल एंट्री होगी डिसऑनर चेक। इसको कॉपी कर लें, फिर एक पॉइंट और है उस पर बात करेंगे। जब ये लास्ट पे लिखा हुआ है सेट ऑफ अगेंस्ट बैलेंस एंड परचेज लेजर और पेबल लेजर, जब इसका मतलब क्या है सेट ऑफ, जिसके लिए दो तीन टर्म्स और हैं, सेट ऑफ सेटलमेंट कॉन्ट्रा या कॉन्ट्रा सेट ऑफ, इसका सबका एक ही मतलब। सब ये बताएं ये होते क्या है, आपसे बात करते हैं। सब ये बताएं कि एक आपका कस्टमर है, क्या वो आपका सप्लायर भी हो सकता है? ये एक सप्लायर है, वो कस्टमर भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि एक सप्लायर है जिससे आप रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं और उसके बाद फिनिश गुड्स सेल कर रहे हैं उसको। ठीक है, इस तरह वो आपका सप्लायर भी हो जाएगा, कस्टमर भी। या किसी से आप एक रॉ फिनिश गुड्स बाय कर रहे हैं और अपनी एक प्रोडक्ट उसको सेल भी कर रहे हैं। ठीक, अच्छा, तो इस तरह एक शख्स आपका कस्टमर भी हो सकता है और सप्लायर भी बन जाएगा। तो ये हम लिख लेते हैं, सपोज अकाउंट रिसीवेबल है, कौन है, मिस्टर ए, और ये अकाउंट पेबल हम बना लेते हैं मिस्टर ए का। मिस्टर ए सप्लायर भी है हमारा, कस्टमर भी है। जैसे हमने गुड्स सेल किए 10,000 की गुड्स हमने सेल की थी और इससे हमने परचेजेस की थी 8,000। 8,000 की गुड्स हमने परचेज की, गुड्स या रॉ मटेरियल, और 10,000 की गुड्स हमने इसे सेल की। अब रिसीवेबल 10,000 है, पेबल 8,000। अब इसकी सेटलमेंट कैसे होगी? अब देखिए दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप उससे 10,000 का चेक रिसीव कर लें या उसको और 8,000 का चेक बना कर दे दें। अब दो तरीके हैं ना, आप 10,000 का चेक रिसीव कर लें और 8,000 का चेक इशू कर दें उसको। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है, डिफरेंस निकाल लें, रिसीवेबल कितने इसमें से माइनस करें पेबल, बैलेंस क्या बचा आपका, और ये रिसीवेबल होंगे ना। तो आप इस तरह कर सकते हैं कि दोनों का डिफरेंस निकाल लें और जो भी डिफरेंस आएगा, अगर रिसीवेबल है तो वो रिसीव कर लें और अगर पेबल है तो आपकी सेटलमेंट हो जाएगी। और नॉर्मली ऐसा ही होता है ना, ठीक है, कि हम डिफरेंस निकाल लेते हैं और जो भी अमाउंट रिसीव करना होता है रिसीव कर लेंगे, अगर पेबल होगा तो पे कर देंगे और आपकी सेटलमेंट हो जाएगी। अच्छा, अब ये जो 2,000, तो खैर जब हम रिसीव करेंगे तब इनको रिकॉर्ड करेंगे। ये जो हमने सेटलमेंट की इसका क्या इफेक्ट हुआ, और इसको भी तो रिकॉर्ड करेंगे ना, फिर एंट्री क्या बनेगी? तो इसका इफेक्ट क्या आ रहा है सेटलमेंट का, रिसीवेबल पेबल का, पर सेटलमेंट का क्या इफेक्ट आ रहा है? देखिए, सेटलमेंट से पहले रिसीवेबल कितने थे और रिसीवेबल सेटलमेंट के बाद कितने रह गए, तो रिसीवेबल्स पे क्या इफेक्ट आया, डिक्रीज हुए। अच्छा, सेटलमेंट से पहले पेबल कितने थे और अब कितने रह गए, जीरो हो गए, तो पेबल भी आपके डिक्रीज हो रहे हैं। तो इस सेटलमेंट का क्या इफेक्ट आता है कि आपके रिसीवेबल और पेबल दोनों डिक्रीज हो रहे हैं। तो एंट्री क्या बनेगी, अकाउंट्स पेबल डेबिट, अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट, और किस अमाउंट से, अमाउंट क्या लेंगे, डिक्रीज कितने का आ रहा है, 8,000 का डिक्रीज आ रहा है ना, कि रिसीवेबल आपके 10,000 थे, सेटलमेंट के बाद कितने रह गए, 8,000 से रिसीवेबल डिक्रीज हुए। पेबल कितने थे, सेटलमेंट के बाद कितने रह गए, डिक्रीज कितना आया, 8,000 का। तो रिसीवेबल और पेबल दोनों 8,000 से डिक्रीज हो रहे हैं, तो ये इसकी एंट्री हो जाएगी, रिसीवेबल डेबिट और पेबल, और पेबल डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट होंगे 8,000। ठीक है, तो ये आपकी सेटलमेंट या सेट ऑफ की डबल एंट्री बनती है। इसके बाद आपका इसको यहाँ पोस्ट भी कर देते हैं, तो अब रिसीवेबल क्रेडिट हो गए 8,000 से, पेबल डेबिट हो रहे हैं 8,000, और डिस्क्रिप्शन में लिख लेंगे सेट ऑफ, सेट ऑफ। अब अकाउंट क्लोज करेंगे तो आपका रिसीवेबल का बैलेंस कितना रह जाएगा, 2,000 रह जाएगा, क्योंकि हम बाद में इससे रिसीव कर लेंगे, और पेबल आपका क्लोज हो जाएगा, नेल हो जाएगा ना, क्लियर। तो इसे कहते हैं सेटलमेंट या सेट ऑफ, और ये इसकी डबल एंट्री।
तो ये कॉपी कर लें, फिर इसमें एक पॉइंट और है वो डिस्कस करेंगे। तो इस एग्जाम्पल में हमारे रिसीवेबल ज्यादा थे, पेबल कम थे। इसका रिवर्स भी तो हो सकता है कि पेबल ज्यादा हो, रिसीवेबल कम हो, फिर क्या होगा? अच्छा, सपोज कर लेते हैं आपके अकाउंट्स पेबल हैं 15,000 और अकाउंट रिसीवेबल है आपके 12,000 के, बैलेंस कितना बचेगा? अच्छा, अब ये 3,000 रिसीवेबल होंगे, पेबल पेबल होंगे ना, जो हम बाद में पे कर देंगे। अच्छा बताएं, यहाँ पर क्या इफेक्ट आ रहे हैं आप सेटलमेंट के? क्या इंक्रीज हुआ, क्या डिक्रीज हुआ? पेबल डिक्रीज हो रहे हैं और रिसीवेबल भी डिक्रीज हो रहे हैं। देखिए, पेबल 15,000 से डिक्रीज होकर 3,000 रह गए और रिसीवेबल 12,000 से डिक्रीज होकर जीरो रह जाएंगे ना। तो यहाँ भी क्या हुआ, आपके रिसीवेबल पेबल दोनों डिक्रीज हुए, डिक्रीज। तो एंट्री क्या बनेगी? सेम, अकाउंट्स पेबल डेबिट और अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट। अमाउंट क्या आएगा? 12,000, 3,000 तो बैलेंस बचा है। डिक्रीज कितने से हो रहे हैं? डिक्रीज 12,000 का आया ना। पेबल 15,000 से डिक्रीज होकर 3,000 रह गए, 12,000 से डिक्रीज हुए, और रिसीवेबल 12,000 से डिक्रीज होकर जीरो रह गए, तो डिक्रीज कितना आया? 12,000 का। ठीक है, तो अब एक पॉइंट याद रख लें, चाहे आपके रिसीवेबल ज्यादा हो या पेबल ज्यादा हो, जब भी सेटलमेंट होगी एंट्री हमेशा सेम बने, सेम इफेक्ट होगा, सेम एंट्री होगी, अकाउंट्स पेबल डेबिट, अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट। ठीक है, ये भी कॉपी कर लें सेकेंड वाले एग्जाम्पल, और ये पॉइंट याद रखिएगा, चाहे रिसीवेबल ज्यादा हो या पेबल, जब भी सेटलमेंट होगी एंट्री सेम बने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का कंट्रोल अकाउंट बनाते हैं। क्या ओपनिंग बैलेंस कितना है? रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस 28,409, डेबिट इसके बाद सेल्स डे बुक का टोटल दिया हुआ है, क्रेडिट सेल्स, तो क्रेडिट सेल्स की एंट्री क्या होती है? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, डेबिट पे लिख लेंगे 26,617 के बाद बैड डेट्स रिटेन ऑफ, इसकी अभी हमने एंट्री बनाई, बैड डेट्स डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, तो अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएंगे 342। नेक्स्ट है चेक्स रिसीव फ्रॉम डेटर्स, की डबल एंट्री क्या होती है? बैंक डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, तो अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट होगा। ठीक, फिर वो स्प्रेडशीट वाला देख लेंगे। सबसे पहले तो इसका ओपनिंग बैलेंस लिख लेते हैं, बैलेंस कितना दिया है? 28,409, डेबिट का आ जाएगा बैलेंस 28,409, जिसके बाद ये सेल्स डे बुक का टोटल है, क्रेडिट सेल्स की डबल एंट्री क्या होती है? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, डेबिट पे लिखेंगे। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट बैड डेट्स रिटन ऑफ की डबल एंट्री, बैड डेट्स डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, तो अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट होंगे 342। टैक्स रिसीव फ्रॉम डेटर्स की डबल एंट्री, बैंक डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। ठीक, नेक्स्ट है चेक डिसऑनर, इसकी डबल एंट्री बनाई हमने, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, बैंक क्रेडिट, तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, डेबिट पे लिख लेते हैं 120। नेक्स्ट है रिटर्न इनवर्ड्स, इसकी डबल एंट्री, सेल्स रिटर्न डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, तो अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएंगे 924।
इसके बाद है सेट ऑफ अगेंस्ट बैलेंस इन परचेज लेजर और पेबल लेजर, तो इसकी डबल एंट्री, अकाउंट्स पेबल डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। तो अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट करेंगे, पहले यहां पर एक लाइन में इंसर्ट कर लूं, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट होंगे 319। क्लियर, कंप्लीट। अब बैलेंस कर लेते हैं, तो डेबिट साइड का टोटल करेंगे पहले, सेल्स रिटर्न को कहते हैं, डबल एंट्री क्या होती है, सेल्स रिटर्न की डबल एंट्री, क्रेडिट, या अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो गए, सही कि 55,146। इसमें से डायरेक्ट क्रेडिट साइड माइनस करें, बैलेंस बताएं कितना आ रहा है, कितना 29,268, ये इसका क्लोजिंग बैलेंस आ गया 29,268। क्लियर, ये था विदाउट डिस्क्रिप्शन। ठीक, अब ये डिस्क्रिप्शन के साथ बनाएंगे तो कुछ इस तरह बन जाएगा। ठीक है, तो बात एक ही है, सेम आंसर, ठीक है 29,268। पहले ये कॉपी कर लें, यही बेहतर है, आपको ये लिख लें। क्वेश्चन नंबर फोर, इंटेंजिबल स्टूडेंट टारगेट। अच्छा, इसमें अब बनेगा आपका ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट ही बनेगा, ठीक है। अच्छा, पहले ये विदाउट डिस्क्रिप्शन ही बना लेते, इसके बाद फिर डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। अब इसका बैलेंस दिया हुआ है आपको, ओपनिंग बैलेंस 28,227, डेबिट हो जाएगा 28,227। ओके, इसके बाद अब ये टोटल्स फॉर द ईयर, सेल्स डे बुक का टोटल है, टोटल सेल्स तो 3,05,824, ये रिसीवेबल डेबिट हो जाएंगे 3,05,824। जिसके बाद रिटर्न इनवर्ड्स या सेल्स रिटर्न, रिसीवेबल क्रेडिट, तो नेक्स्ट चेक्स एंड कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, इसमें रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट होगा 287,317। सेट ऑफ, सेट ऑफ में अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा, के बाद अब कंप्लीट। ओके, अकाउंट क्लोज करते हैं, तो डेबिट साइड का टोटल करेंगे 3,405,1। इसमें से क्रेडिट साइड माइनस करें, बैलेंस बताएं कैरेट डाउन कितना आ रहा है जी, क्लोजिंग बैलेंस 2,469,999, एडिट ऑन और ये ब्रॉट डाउन 2,469,999, गलत है 42,47। यहाँ चेक कर लेते हैं, सही है जी, कॉपी कर लें, इसके बाद फिर वो डिस्क्रिप्शन के साथ कॉपी कर लीजिएगा। तो डिस्क्रिप्शन के साथ बनाएंगे तो कुछ इस तरह बन जाएगा, बैंक कैश दोनों लिख लें, एग्जाम में तो आपको सिर्फ आंसर देना है, फॉर्मेट का इश्यू नहीं है।
क्वेश्चन नंबर फाइव, ये फॉर्मेट कॉपी करते हैं इसको से। पेबल का ओपनिंग बैलेंस है 19,420। तो अच्छा, पेबल का ओपनिंग बैलेंस किस साइड पर आएगा? क्रेडिट अकाउंट पेबल, तो ओपनिंग बैलेंस है 19,420। अब ये बाकी अब टोटल्स फॉर द ईयर परचेज डे बुक। अच्छा, क्रेडिट परचेज की डबल एंट्री क्या होती है? परचेज डेबिट, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। तो अकाउंट्स पेबल क्रेडिट के बाद रिटर्न आउटवर्ड्स डे बुक, यानी कि परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न की डबल एंट्री अकाउंट पेबल डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट, अकाउंट्स पेबल डेबिट 1452। के बाद चेक्स पेड टू सप्लायर, जिसकी डबल एंट्री अकाउंट्स पेबल डेबिट बैंक या कैश क्रेडिट होता है, अकाउंट्स पेबल डेबिट 205419। के बाद पेटी कैश पेड टू सप्लायर, तो इसकी भी एंट्री वही होगी सेम, अकाउंट्स पेबल डेबिट पेटी कैश क्रेडिट। तो अकाउंट्स पेबल डेबिट। नेक्स्ट डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव्ड की डबल एंट्री कैश बुक में लिखवाई थी कैश बुक के टाइम पर, अकाउंट्स पेबल डेबिट डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट होगा। अकाउंट्स पेबल डेबिट और डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट 1721172, अकाउंट्स पेबल डेबिट। नेक्स्ट है बैलेंस ऑन रिसीवेबल लेजर सेट ऑफ अगेंस्ट बैलेंस इन पेबल लेजर। सेट ऑफ की एंट्री अकाउंट्स पेबल डेबिट, अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट, अकाउंट्स पेबल डेबिट 640 से। पहले एक रॉ इंसर्ट कर लेते हैं, अकाउंट्स पेबल डेबिट हो जाएंगे 640 से। क्रेडिट साइड का टोटल करें 229836, 229836। डेबिट साइड माइनस कर दें, बैलेंस कितना आ रहा है 20542। इसका क्लोजिंग बैलेंस आ गया 20,542। कॉपी कर लें। ऑप्शन के साथ जिस तरह अकाउंट बनेगा, आ जाए पानी पी के आ जाए। हाँ, बहुत टाइम है अभी। अच्छा, ये लेके अंदर आप आ जाए सर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर सिक्स से पहले एक पॉइंट है, ये डिस्कस कर लेते हैं। ये लिखा हुआ कॉजेज ऑफ क्रेडिट बैलेंस इन अकाउंट रिसीवेबल। जब तक हमने पढ़ा है कि रिसीवेबल का बैलेंस डेबिट होता है और पेबल का बैलेंस क्रेडिट, लेकिन इसका रिवर्स भी हो सकता है, ठीक है। तो रिसीवेबल का बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है और पेबल का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है। फिर पहले रीजन पे बात कर लेते, रीजन क्या होती है, और उसके बाद फिर एंट्रीज लिखेंगे और बाकी क्वेश्चन सॉल्व। अच्छा, पहले रीजन क्या हो सकती है? नंबर वन, एक्सेस और ओवर पेमेंट बाय कस्टमर।
ये फर्स्ट रीजन है जिसकी वजह से रिसीवेबल का बैलेंस डेबिट के बजाय क्रेडिट हो जाए। अब एक अकाउंट बनाकर देखते हैं, एक रिसीवेबल अकाउंट बना लेते हैं। ये हमने कस्टमर को गुड सेल की 504 की, ठीक है, 504 की गुड सेल की क्रेडिट पर। आप क्वेश्चन बाद कस्टमर ने हमें पेमेंट की बाय चेक, और चेक बनाकर दे दिया उसने 540 का। तो अकाउंट रिसीवेबल, चेक रिसीव करेंगे तो एंट्री क्या होगी, बैंक डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 540। सेल्स हमने किए 504 की और कस्टमर ने हमें पे कर दिए 540, ठीक, ओवर पेमेंट हो गए। अब अकाउंट क्लोज करते हैं। अब देखिए क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, तब क्रेडिट डाउन आएगा डेबिट पर और ब्रॉट डाउन आएगा इसका क्रेडिट साइड। तो ये फर्स्ट रीजन हो गई ओवर पेमेंट बाय कस्टमर, जिसकी वजह से रिसीवेबल का बैलेंस डेबिट के बजाय क्रेडिट होगा। अच्छा अब इस वक्त इसकी नेचर क्या होगी रिसीवेबल की। अब इस वक्त ये जो बैलेंस आया 36 का, ये एसेट है हमारे लिए, लायबिलिटी है। अब ये हमारी लायबिलिटी बन गया है ना, कि कस्टमर ने ओवर पेमेंट किया तो हमें कस्टमर को 36 वापस करने, रिफंड करने, ठीक है क्या। अब ये लायबिलिटी इस वक्त ये हमारी लायबिलिटी है। अच्छा ये 36 हमें कस्टमर को वापस करने, रिफंड करने, ठीक है। अच्छा अब जब हम कस्टमर को, अब क्वेश्चन बात, कस्टमर को 36 रिफंड करेंगे तो उसकी एंट्री क्या बनेगी फिर। अब जब ये 36 हम कस्टमर को रिफंड करेंगे तो उस वक्त क्या एंट्री बनाएंगे, अकाउंट पेबल डेबिट कैश क्रेडिट। अच्छा कैश तो क्रेडिट होगा, कैश या बैंक, पेबल डेबिट क्यों करेंगे, लायबिलिटी कम हो रही है, ठीक है। अच्छा देखिए अब आप क्या, अगर अकाउंट पेबल को डेबिट करें, अगर आपकी बात को सही मान लें, इसको मतलब क्या, ये तो रिसीवेबल अकाउंट है ना, तो अब आपको एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा पेबल का, वो डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्लोज कैसे होगा, अब ये अकाउंट तो क्लोज ही नहीं होगा, खत्म कैसे होगा, और एक नया अकाउंट और ओपन हो जाएगा आपका पेबल डेबिट ये अकाउंट। तो ये जो बैलेंस क्रेडिट पे आ रही है तो क्रेडिट पर ही रहेगा ना, ये खत्म कैसे होगा, और पेबल का एक नया अकाउंट ओपन कर लेंगे आप तो उसको भी क्लोज करना, ठीक है। तो देखिए पेबल डेबिट नहीं होगा, डेबिट इसी को करेंगे, रिसीवेबल को ही डेबिट करेंगे, रिसीवेबल डेबिट और कैश क्रेडिट। मैं समझा देता हूँ, बैंक का टी अकाउंट बनाते हैं, बैंक का नॉर्मली बैलेंस डेबिट होता है बैंक बैलेंस, और बैंक ओवरड्राफ्ट हो तो क्रेडिट। अब आपने बैंक से ओवरड्रॉ किए, ओवरड्रॉ करने के बाद आपका बैंक, अच्छा अब आपका बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया तो बैलेंस किस साइड पर आएगा, क्रेडिट पे, ठीक है। अब वो आपके लिए क्या है, लायबिलिटी पेबल। अब जब आप बैंक में कैश या चेक डिपॉजिट करवाएंगे उस टाइम पर क्या एंट्री बनाएंगे, बैंक को डेबिट करेंगे या ओवरड्राफ्ट का नया अकाउंट बना लेंगे, या बैंक पेबल के नाम से अलग अकाउंट बनाएंगे, उसी अकाउंट को डेबिट करेंगे ना, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। तो आपका जो ओवरड्राफ्ट है वो खत्म हो जाएगा, जीरो लायबिलिटी खत्म। तो बैंक का या बैंक पेबल के नाम से या बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से नया अकाउंट ओपन नहीं करेंगे ना, उसी अकाउंट में डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। तो सेम यहाँ पर सिचुएशन है, इस वक्त ये रिसीवेबल का बैलेंस आ रहा है क्रेडिट पर, क्रेडिट बैलेंस की वजह से इसकी नेचर चेंज हो गई है, अभी एसेट नहीं रहा, अभी बन गई आपकी लायबिलिटी। लेकिन जब हम कस्टमर को रिफंड करेंगे तो यही अकाउंट डेबिट होगा, नया अकाउंट नहीं बनेगा, ठीक। तो एंट्री क्या हो जाएगी, रिसीवेबल डेबिट कैश क्रेडिट, इसके बाद ही आपका अकाउंट क्लोज, ठीक है। तो रिफंड, तो ये याद रखिएगा, तो एंट्री क्या होगी, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और कैश क्रेडिट, टेबल का नया अकाउंट नहीं बने, साइड चेंज होने से नेचर चेंज हो रही हो गई, लेकिन टाइटल वही यूज होगा, नया अकाउंट ओपन नहीं कर, कंफ्यूज लग रहा है। एक बैंक का डी अकाउंट बनाकर दिखा दे, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, एक बैंक का डी अकाउंट बना लेते हैं, तो ये आपको बेहतर और क्लियर हो जाएगा। ये बात ही नहीं,
इस वक्त देखें बैंक बैलेंस है हमारा कितना, बैंक बैलेंस है 10,000 का। बैंक बैलेंस कितना है 10,000। अब हमने एक सप्लायर को पेमेंट की बाय चेक और चेक बना के दे दिया 12,000। एंट्री क्या होगी, पेबल डेबिट और बैंक क्रेडिट हो जाएगा 12,000 से। अब इसको बैलेंस करते हैं, बैंक अकाउंट को बैलेंस करते हैं। क्रेडिट डाउन कितना आएगा 2,000 और ड्रॉ डाउन कितना आएगा इसका। सब 2,000 क्या शो कर रहा है, बैंक बैलेंस या बैंक ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट की नेचर क्या होती है, लायबिलिटी। इस वक्त ये हमारी लायबिलिटी है। अब हमने बैंक को 2,000 देने। अच्छा अब क्वेश्चन बाद, जब हम बैंक में 2,000 सपोज डिपॉजिट करवाएंगे तो क्या एंट्री बनाएंगे, अब बैंक डेबिट होगा और कैश क्रेडिट होगा ना। तो बैंक को ही हमने डेबिट किया ना, ओवरड्राफ्ट के नाम से नया अकाउंट ओपन नहीं किया, या बैंक पेबल के नाम से नया अकाउंट ओपन नहीं हुआ ना। इसी को डेबिट करेंगे तो ये आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा, लायबिलिटी आपकी खत्म। तो देखिए साइड चेंज होने से इसकी नेचर चेंज हो जाएगी, ये आपका एसेट से लायबिलिटी बन गया, लेकिन जब डिपॉजिट करवाएंगे तो एंट्री सेम रहेगी ना। ठीक है, एंट्री में कोई चेंज नहीं आएगा। इसी तरह रिसीवेबल बना लेते हैं, यहाँ पर बना के समझा देता हूँ। अब एक हम रिसीवेबल अकाउंट बना लेते हैं, बैंक की जगह अकाउंट रिसीवेबल। तो ये हमने कस्टमर को गुड सेल की, वही फिगर्स लिखते हैं 504 की। अच्छा क्वेश्चन बात, कस्टमर ने पेमेंट किया हमें 540 की। ठीक है, अब अकाउंट क्लोज करेंगे, 540 टोटल आ गया, 540 कैरी डाउन कितना आएगा 36 और ब्रॉड डाउन आ जाएगा 36। अच्छा अब उसकी नेचर क्या हो गई, चेंज हो गई, अब ये बन गई हमारी लायबिलिटी। अच्छा अब क्वेश्चन बाद, जब हम कस्टमर को 36 रिफंड करेंगे कैश तो हो जाएगा क्रेडिट, डेबिट क्या करेंगे, रिसीवेबल को ही डेबिट कर देंगे 36 से। यहाँ पर अब ये रिसीवेबल डेबिट होगा, बस के साथ ही आपका अकाउंट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, बैलेंस आपका जीरो हो जाएगा, लायबिलिटी आपके सेटल। तो साइड चेंज होने से नेचर चेंज होगी, लेकिन टाइटल ऑफ अकाउंट सेम रहेगा, टाइटल चेंज नहीं करेंगे, पेबल का नया अकाउंट ओपन नहीं करें। ठीक है, ये चीज साइड ऑफ की एंट्री। अब ये तो ये एंट्री आपकी हो गई रिफंड की, अब एक नई एंट्री बन गई, याद रखिएगा रिफंड टू कस्टमर की अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और कैश क्रेडिट हो जाए। क्लियर, फिर ये कॉपी कर लें यहां से। अब इनकम क्यों रख लें, क्या इसकी सेकंड रीजन अभी है सेल्स रिटर्न आफ्टर फुल पेमेंट, सेल्स रिटर्न आफ्टर फुल पेमेंट। रिसीवेबल अकाउंट बनाते हैं, ये हमने क्रेडिट सेल्स की 20,000 की। ठीक है, क्वेश्चन बाद, कस्टमर ने हमें 20,000 पे कर दिए, फुल पेमेंट कर दी, 20,000 रिसीव हो गए। ओके, अब इसके बाद फुल पे करने के बाद, फुल पेमेंट के बाद कस्टमर ने 2,000 की गुड्स रिटर्न की, सेल्स रिटर्न हो गई 2,000। ये तब अकाउंट क्लोज करते हैं। अब इसमें क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम, तो कैरी डाउन आएगा डेबिट पर और ब्रॉड डाउन आएगा क्रेडिट साइड। अगेन यहाँ पे लायबिलिटी आ गई कि अब हमने कस्टमर को 2,000 वापस करने हैं, रिफंड करने हैं या नई गुड्स देनी होंगे। ठीक है जी। अच्छा अब इसमें एंट्री मैंने नहीं लिखी, अब एंट्री कोई भी देखें, इसमें आप रिफंड करेंगे तो वही एंट्री आ जाएगी, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कैश क्रेडिट, और अगर नई गुड्स सेल करेंगे तो वो क्या एंट्री होगी, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। तो नॉर्मली एंट्री वो रिफंड की पूछता है, तो रिफंड की एंट्री होगी कैश, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स कैश क्रेडिट हो जाए। ये एंट्री कॉपी कर लें, उसके बाद फिर पेबल्स हैं वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में लिख लेंगे।